Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, voice लगभग खत्म ही हो गया है, फिर भी इसमें जो भी थोड़ा कुछ बाकी रह गए हैं आज मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे कन्वर्सेशनल वॉइस, ठीक है फ्रेंड्स? तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, सारे टेंसेस के मैंने वॉइस बनाना आपको बता दिया है, एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू वॉइस, एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव वॉइस, ठीक है फ्रेंड्स? उसके बाद मैंने आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में भी बता दिया है कि मॉडल वर्ब्स के एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं और पैसिव टू एक्टिव कैसे बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो टुडे आई विल टीच यू अबाउट द इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक में, जो बेसिक की वीडियो डाले थे हमने उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, और आज हम सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव में टर्न करना, कि किसी भी हम इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो क्लास शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं वो कन्वर्सेशनल वीडियो, तो लेट्स वॉच। हाय, हाउ आर यू? वी आर मीटिंग आफ्टर होल वीक। यस, आई हैड बीन टू माय अंकल्स हाउस एट सूरत ऑल दिस डेज। आई केम बैक ओनली यस्टरडे। We have put in much work in the school and I am afraid. Yes, I will have to catch up with all that. Don't you think, Preeti, it would be possible for me with some help from you? Sure, we can do it together if you like. And may I borrow your notes to read at home tonight? Why not? What are the friends for? Thank you. Okay, bye. Bye. Okay, friends. आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स आदेशात्मक सेंटेंसेस, सेंटेंस मीन्स वाक्य, जिसमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट या प्रेच, ये तीन चीज़ें जिसमें आती है, जिस सेंटेंसेस में आते हैं ऑर्डर, प्रेच या रिक्वेस्ट, आप समझ जाना कि इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर अब इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं ये बहुत पहले ही बता चुका हूं, और ये बेसिक मैंने आपको बताया था और बहुत अच्छी तरह से बताया था। तो आज हम बताएंगे इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में हम कैसे बदलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये है हमारा फॉर्मूला किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव में बनाने का फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड्स? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री। एक सेंटेंस है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इसका अगर हम पैसिव में टर्न करेंगे इसको तो क्या होगा? तो सबसे पहले फॉर्मूला, किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में बनाते वक्त आप इस फॉर्मूला को याद रखना, बस उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही इजी लगेगा आपको। तो ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड। ब्रिंग सम चेयर्स, कुछ कुर्सियां लाओ। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये पैसिव सेंटेंस में अगर इंग्लिश इसका बनाया है तो इसका हम हिंदी में कैसे करेंगे, मीन्स हिंदी क्या बोलेंगे। तो हिंदी इसका सिंपल है कि लेट द डोर बी ओपनड, दरवाजा खोला जाए, ठीक है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला जाए, ठीक है फ्रेंड्स? तो ब्रिंग सम चेयर्स, तो लेट सम चेयर्स बी ब्राउट। थोड़ा रह गया, अब समझ है ना, प्राउड है ये। लेट सम चेयर्स बी ब्राउट, कुछ कुर्सियां लाई जाए। गिव हिम अ पेन, लेट अ पेन बी गिवन टू हिम, ठीक है फ्रेंड्स? कॉल हिम, लेट हिम का सब्जेक्ट हो जाता है ही, तो लेट ही बी कॉल्ड। क्लोज द शॉप, तो लेट द शॉप बी क्लोज्ड। लिसन टू हिम, लेट ही
B listened. बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है इसका, उसके बाद आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में टर्न करते वक्त। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ ये फॉर्मूला आप याद रखना इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। लेट का इस्तेमाल होता है इसमें, लेट प्लस ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट में यहाँ पे टर्न होकर आएगा, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री, बहुत ईजी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप समझ चुके होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे टर्न करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद।